राजनांदगांव के लालबाग थाना पुलिस ने एक साइको किलर महिला को पकड़ा है, जिसने 18 दिन पूर्व रहस्यमय ढंग से गायब हुई 4 वर्षीय मासूम बच्ची डिंपल की निर्मम हत्या किया था। और पकड़े जाने के डर से यह शातिर महिला अस्पताल में भर्ती होकर नसबंदी ऑपरेशन करवा रही थी। राजनांदगांव जिले के ग्राम राजा भानपुरी में रहने वाले रूपलाल निर्मलकर ने 9 फरवरी को अपने 4 वर्षीय बेटी डिंपल की लापता होने की शिकायत लालबाग थाना में किया था, जिसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर लोगों पर नजर रखकर हर पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी। इसी बीच गांव की एक महिला आरती साहू की गतिविधियां लगातार संदिग्ध नजर आ रही थी, जो कि घटना के 3 दिन बाद अपना नसबंदी का ऑपरेशन कराकर जिला अस्पताल में भर्ती हो गई थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर आरती साहू से पूछताछ किया, जिस पर बार-बार अपना बयान बदला और गोलमोल जवाब देते रही, मगर कड़ाई से पूछताछ करने पर साइको किलर आरोपी आरती साहू ने 4 वर्षीय बच्ची डिंपल की निर्मम हत्या करने का आरोप स्वीकार किया। आरोपी के बताए अनुसार पुलिस द्वारा मासूम बच्ची डिंपल की लाश को बरामद किया गया और हत्यारी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये लगातार लगी हुई थी और इसमें खोजबीन कर रही थी और गांव के आसपास के जितने नदी नाले और वहां के खदान हैं वहां पर सर्चिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि जो आरती साहू है, जो प्रार्थी के पड़ोस में रहते हैं, उनके घर में अंतिम समय में जो दोनों बच्चियों को देखा गया था और इसमें फिर आरती साहू से लगातार पूछताछ की, दवापूर्वक पूछताछ की, तो उसने जुल्म स्वीकार किया। उसने कहानी ये बताई कि जो बड़ी बेटी को उसने कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान भेज दिया था, उसी दौरान जब छोटी बेटी जो लगातार उसकी जो आरती साहू की बेटी को मारपीट करती थी, परेशान करती थी, उसने उसको ऐसा बोला और एक झापड़ मारा। उस दौरान जो डिंपल है, जो मृतिका है, उसने आरती साहू के हाथ को काट दिया और जो गुस्से में आकर आरती साहू ने उसके बाल को पकड़ा और वहीं पर पलंग पे दे मारा, जिससे लड़की के सिर पर चोट आई और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरती साहू ने उसको सीमेंट के बोरे में भरा बच्ची की लाश को और अपने घर के सामने गड्ढा खोदकर छुपा दिया। जब 2 दिन बाद उसे बदबू आने लगी तो उसने उसको फेंकने का प्लान बनाया और वहां से घर से 2 बैग में अपना एक बैग में अपना सामान, दूसरे बैग में वो बच्ची की लाश उसको लेके निकली और एक मैजिक में बैठी और वो उस मैजिक में ही उस लाश को छोड़ दी और वहीं उतर कर उसने अपना ऑपरेशन कराया 3 दिन। तो उसके बाद हमने उस मैजिक की खोजबीन जारी की। मैजिक का जो ड्राइवर है उससे पूछताछ करने पर उसने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उसके मैजिक पे एक बैग रखा था जिसमें कोई सामान जो मांस जैसा था, जिससे बदबू आ रही थी, उसने अंजोरा बाईपास में उसको फेंका है, उसको बरामद कर लिया गया है, जिसमें बच्चे की लाश मिली है और घर वालों ने उसको पहचान लिया है। इस प्रकार से आरती साहू ने उस बच्ची का कत्ल किया था और 302 का इसमें धारा लगा दिया गया है, साथ ही साक्ष्य छुपाने का भी धारा लगाया गया है और उसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमजाजर।